किसी भी देश के लिए उसके सच्चे नायक उसके सैनिक होते हैं जो अपनी जान की बाजी लगाकर पूरे देशवासियों की सुरक्षा करते हैं। भारतीय सैनिकों ने भी कई मौकों पर अपने जान की परवाह किए बिना दुश्मनों से लड़कर हमें विजय दिलाई है। ऐसा ही एक तारीख भारतीय इतिहास में अमर हो चुकी है और वो तारीख है 26 जुलाई 1999। भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1999 में लगभग 60 दिनों तक युद्ध चला, जिसका अंत 26 जुलाई को भारत की जीत के साथ हुआ था। भारत के इस विजय के पीछे कई सैनिकों का बलिदान छिपा है, जिन्होंने अपने जान की आहुति देकर भारत का मस्तक ऊंचा किया था। इन विजय गाथा पर कई फिल्में भी बनाई गई हैं, जिसने दर्शकों को सैनिकों के इस शौर्य गाथा से परिचय कराया है। शुक्रवार को 25वीं कारगिल विजय दिवस है, इस मौके पर उन फिल्मों का जिक्र करेंगे जिनमें कारगिल युद्ध और देश के जवानों के शौर्य की कहानी दिखाई गई है। पहली फिल्म है शेरशाह। कारगिल युद्ध पर बनी ये सबसे नवीनतम फिल्म है। 12 अगस्त 2021 को रिलीज Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई इस फिल्म में कारगिल युद्ध के नायकों में से एक कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी दिखाई गई थी। ये कारगिल युद्ध के दौरान देश के लिए खुद को न्यौछावर कर देने वाले उस महान योद्धा की बायोपिक फिल्म है। विक्रम बत्रा को मरणोपरांत सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। कारगिल युद्ध के दौरान उन्हें कोड नेम शेरशाह दिया गया था, जिसके ऊपर फिल्म का शीर्षक भी रखा गया है। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे। वर्ष 2020 में रिलीज हुई फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल भी इस युद्ध पर ही आधारित फिल्म है। फिल्म भारतीय वायुसेना की पायलट गुंजन सक्सेना की जिंदगी पर आधारित है, जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान देश की रक्षा के लिए अपनी सेवा दी थी। फिल्म में जानवी कपूर ने गुंजन सक्सेना का किरदार निभाया था। इस फिल्म में उनके साथ पंकज त्रिपाठी और अंगद बेदी भी नजर आए थे। साल 2004 में रिलीज हुई ये फिल्म यानी कि लक्ष्य कारगिल युद्ध के ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित एक काल्पनिक कहानी है। फिल्म में ऋतिक रोशन लेफ्टिनेंट करण शेरगिल की भूमिका निभाते नजर आते हैं, जो अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए आतंकवादियों पर विजय हासिल करते हैं। इस फिल्म को फरहान अख्तर ने निर्देशित किया था। फिल्म में ऋतिक के अलावा प्रीति जिंटा, अमिताभ बच्चन, बमन ईरानी, ओम पुरी आदि कलाकारों ने भी काम किया है। LOC कारगिल साल 2003 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म कारगिल युद्ध पर आधारित है, जिसमें भारतीय सैनिकों को पाकिस्तानी सेना पर विजय हासिल करने की यात्रा दिखाई गई है। फिल्म भारतीय सेना के सफल ऑपरेशन विजय पर आधारित है, जिसे मई 1999 में पाकिस्तानी घुसपैठ के बाद शुरू किया गया था। फिल्म में संजय दत्त, अजय देवगन, सैफ अली खान, अभिषेक बच्चन, सुनील शेट्टी, मनोज बाजपेयी आदि कलाकार नजर आए थे। आखिर में धूप भी कारगिल युद्ध के बैकड्रॉप पर आधारित एक फिल्म है। फिल्म इस युद्ध में जान गंवाने वाले जवानों के परिवार पर आधारित है। फिल्म में संजय कपूर, गुल पनाग, ओम पुरी और रेवती जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। अभिनेत्री गुल पनाग ने इस फिल्म से अपने अभिनय करियर की भी शुरुआत की थी और फिल्म साल 2003 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।